आज हम आपका परिचय कराते हैं मारुति की नई गाड़ी से, आल्टो K10 ऑटोमेटिक, जिसे आल्टो MT भी कहा जाता है। गाड़ी का लुक एकदम नया कर दिया गया है, गाड़ी का फेस लिफ्ट कर दिया गया है। पहले की गाड़ी थोड़ा नीचे होता था फेस, यहाँ की जो ग्रिल है ये क्रोम कलर की कर दी गई है। इसका लोगो जो है सुजुकी था वो नया था दिख रहा है। गाड़ी की जो हेडलाइट इसमें चेंज कर दिया गया है। गाड़ी की जो टेल लाइट्स है इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया गया, पुरानी आल्टो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आती। कुल मिला के गाड़ी को एक बेहतरीन नया रूप दिया गया है। गाड़ी के अंदर 998 cc का पेट्रोल का इंजन लगा हुआ है जो 24.5 किलोमीटर का एवरेज देता है। ये इंजन वही है जो एक स्टैंडर्ड आल्टो के अंदर भी आता है, आल्टो K10 के अंदर आता है। तीन सिलेंडर वाला इंजन 67 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। साथ ही हम गाड़ी के टॉर्क की बात करें तो ये 90 Nm है, जो कि इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा टॉर्क है। आइए अब जानते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। गाड़ी के अंदर डुअल टोन इंटीरियर है, काफी खूबसूरत सा इंटीरियर है। अंदर एक म्यूजिक प्लेयर है जिसके अंदर CD प्ले कर सकते हैं, MP3 प्ले कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन दिया गया है। यदि हम इसके स्टीयरिंग व्हील पे आए तो 3 स्पोक व्हील इसमें दे रखी है, बहुत ही शानदार स्टीयरिंग व्हील है। कुल मिला के देखा जाए तो अंदर से गाड़ी कहीं से कहीं तक पुरानी आल्टो नहीं लगती है, ये बिल्कुल मिरेकुलस चेंज है इसके अंदर। गाड़ी के अंदर यहाँ हम आते हैं गियर शिफ्टिंग के ऊपर। गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक गियर ऑप्शन है, ये न्यूट्रल गियर है। उसके बाद रियर गियर ऊपर की तरफ है और ड्राइव मोड इसका नीचे की तरफ है। यदि आप बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक ड्राइवर है तो गाड़ी को आप मैनुअल मोड पे भी कर सकते हैं। ऊपर पुश करने पर आपके गियर्स डाउन होंगे, नीचे पुश करने पर आपके गियर्स अप होंगे। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म दिया हुआ है। कुल मिला के देखा जाए तो भारत में जिसे महिलाओं के लिए चाह होती है गाड़ी की, ये छोटी गाड़ी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी अपन स्पेस की बात करें, गाड़ी की जो ओवरऑल जो लेंथ है, ओवरऑल जो लेंथ है पुरानी आल्टो से 75 mm कम है, परंतु चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है। इससे ये 5 व्यक्ति को बड़ी आसानी से अकोमोडेट कर लेती है। अब गाड़ी को थोड़ा चला के देख लेते हैं। गाड़ी की ड्राइव बड़ी स्मूथ है, ऑटोमेटिक होने के बाद भी गाड़ी का पिकअप बड़ा अच्छा है। इसमें आपका एक जो पैर है, जो नॉन ट्रेडिशनल जो गाड़ियां होती है जिसके अंदर आपका क्लच होता है, तो ये पैर आपका पूरा फ्री रहता है क्योंकि आपको यहाँ पर कोई क्लच नहीं दबाना है। पूरी गाड़ी आपकी ब्रेक और एक्सीलेटर पे चलती है। सिटी के ट्रैफिक के लिए बड़ी आइडियल गाड़ी है। गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग है जो इसकी ड्राइव को और भी आसान बनाता है। देख सकते हैं गाड़ी कितनी आसानी से पिकअप ले रही है। ऐसा लगता है जैसे हम गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन पे ही चला रहे हैं। गाड़ी की एफिशिएंसी करीब 15% बढ़ चुकी है। पिछली गाड़ी की तुलना में इस गाड़ी का माइलेज ज्यादा है। ये गाड़ी 24.07 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। गाड़ी का जो व्हील साइज है वो भी 13 इंच का है, जिससे राइडिंग कंफर्ट मिलता है। लुक में गाड़ी बहुत बेहतर है, लगता है गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अब बात आती है गाड़ी की कीमत की, तो यह गाड़ी ऑन रोड करीब करीब 4.5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी।